नमस्कार, स्वागत है आपका एन भारत में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। हिमाचल प्रदेश में सियासी रस्साकशी जारी है, जहां एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद को योद्धा बता रहे हैं और अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा कर रहे हैं, वहीं सरकार बचाने के लिए शिमला से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन जारी है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस का गणित फिर बिगड़ गया है। विक्रमादित्य के इस्तीफे को लेकर कहा गया कि इसे स्वीकार नहीं किया गया है। मान मनोबल का दौर जारी है, सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक तरफ एक्शन तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए संकट का समाधान तलाशने की कोशिश में भी कांग्रेस जुटी हुई है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायक पहले से ही पंचकुला में डेरा डाले हैं, जिन्हें स्पीकर ने सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। अब सीएम सुक्खू की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से भी विक्रमादित्य समेत 4 विधायकों ने किनारा कर लिया है। हिमाचल में बिगड़ते नंबर गेम के बीच कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को सीएम हाउस में नाश्ते पर बुलाया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 4 विधायक विक्रमादित्य सिंह, मोहनलाल, नंदलाल और धनीराम ने सीएम हाउस में आयोजित नाश्ते से किनारा कर लिया। ये 4 विधायक सीएम हाउस में आयोजित नाश्ते पर नहीं पहुंचे। कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मैं एक योद्धा हूँ। आप परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है, तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे, हम बजट में अपनी मेजोरिटी को साबित करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है, दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो, दैट विल बी यू सी चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शब्द लेते हैं और शब्द लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो वोटर है जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नीम है जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का। प्रदेश की वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो अपना मॉरल ग्राउंड सत्ता में रहने का खो चुकी है। वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो एक बहुत बड़े बहुमत के साथ चलने वाली सरकार रही, वैसे में 34-34 वोटों के ऊपर टाई अप हो जाना और किसी भी तरह से मॉरली सत्ता में रहने का हक वर्तमान सरकार खो चुकी है। पिछले 1 साल 2 महीने की सरकार की जो कार्यशैली है
वो कार्यशैली पूरी तरह से डिस्गस्टिंग है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने 14 महीने में प्रदेश में जो कुछ खोया है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल और सवा साल की सरकार इस तरह से जनमानस के हृदय से उतर जाए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के 48 घंटे के अंदर ही स्पीकर ने 6 विधायकों पर एक्शन ले लिया है। स्पीकर ने इन सभी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया है। इसके साथ ही अब सदन की स्ट्रेंथ 62 हो गई है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा भी 32 पर आ गया है। कल तक की जो तस्वीर थी 6 बागियों और 1 विक्रमादित्य को मिलाकर 7 हटा दें तो भी कांग्रेस के पास 33 विधायक थे और अयोग्यता की कार्यवाही के बाद पार्टी के पास बहुमत के आंकड़े थे। लेकिन अब 3 विधायकों के सीएम हाउस पर नाश्ते से दूरी से ये गणित फिर गड़बड़ हो गया है, जिसके बाद सुक्कू सरकार के पास फिलहाल 30 विधायक हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 32 के आंकड़े से 2 कम है। तो अब देखना ये होगा कि सुक्कू अपनी सरकार बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि फिलहाल दिखने वाले आंकड़े उनकी चिंता बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ इस रिपोर्ट पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।